हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजा है सुबह के 9 और मैं अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और इस समय मुझे जाना है अपनी बेटी के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में, तो वहाँ से होकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये मेरी बेटी के स्कूल का गार्डन है, देखिए कितना खूबसूरत है। और पेरेंट्स मीटिंग के बाद मैं घर वापस आ रही हूँ। और लीजिए, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर को। और पहुँचते बस हम लेडीज़ को तो किचन में ही टाइम स्पेंड करना होता, तो आज एक मैं स्वीट डिश बना रही हूँ जो बनाना काफ़ी इजी है और काफ़ी हेल्दी भी है। तो बस दूध गरम करेंगे और उसमें एक छोटी सी कटोरी थोड़ी सी सूजी डाल देंगे, और साथ में मेरे करेले भी बन रहे हैं। और इसी में हम डाल देंगे जो हमारा कोकोनट पाउडर होता है उसको डाल देंगे, और साथ में जो मिल्क पाउडर होता है उसको भी। ये मेरा 10 रुपीज़ का एक पैकेट था, वो पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मैं बना रही हूँ शुगर फ्री पाउडर से। अगर आप चाहो तो इसमें चीनी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें शुगर फ्री डाला। और 2 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। लास्ट में इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। आप इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, उसकी इलायची पाउडर डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और बाद में कोको पाउडर और जो मिल्क पाउडर हमारा बचा है उसको एक साथ मिक्स करके रख लेंगे। इसको साइड में हम रख देंगे। और जो बैटर ये हमारा तैयार हुआ है, इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हो। आपको जो शेप पसंद हो आप वो बना लीजिए। मैंने जो है कुछ पेड़े जैसे बनाया था, और कुछ सिलेंडर और कुछ ओवल शेप में बनाया है। जो इकट्ठे बना के रख लेंगे, उसके बाद जो कोको पाउडर और जो मिल्क पाउडर है उसी में रखते जाएंगे, और इसमें अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो इसको फ्रिज में रख के भी खा सकते हो, और चाहो तो बाहर भी रख के खा सकते हो। काफ़ी हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है मिठाई खाने का, जिससे जो हमें नुकसान भी नहीं करेगा। और मैंने सारे पहले बना लिए, उसके बाद भगवान को भोग लगा दिया, उसके बाद सब लोगों को खाने को दिया है। और आरू से मैंने पूछा है कैसे लग रहा है, तो देखिए मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन बाद में आरुष ने 3-4 और खाए, और उसके बाद हम लोग राम सेतु मूवी के लिए निकल रहे हैं। इस मूवी के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन अभी देख के पता चलता है कि कैसी है। उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगी। अब हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं अपने घर लखनऊ। और दिल्ली की मेट्रो में तो बैठे थे, आज हम लोग कानपुर की मेट्रो में बैठ लिए हैं। हम लोग राम सेतु देखकर वापस आ गए, और अभी हम लोग को सरप्राइज मिला, कुरकुरे मोमोज जो खाने में काफी टेस्टी थे। और राम सेतु मूवी के बारे में बात करें तो काफी अच्छी मूवी है। और सबसे बड़ी बात है कि राम सेतु जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा बात करते हैं, उसके बारे में रियल में सर्च किया गया कि वो वाकई में है कि नहीं है, उसी पे पूरी मूवी आधारित थी। और लास्ट से पता चला कि नहीं, एक रियल में ये सच बात है कि 7000 वर्ष हो गए हैं, फिर भी वो चीज वहां पे वैसे ही है। उसकी एज भी बिल्कुल एक्यूरेट जो रामायण में लिखी है वही है। तो
ऐसी मूवी बननी भी चाहिए और हमें लगता है बच्चों को हमें ऐसी मूवी दिखानी भी चाहिए। कुल मिलाकर ये मूवी काफी अच्छी है। वैसे तो रिलीजियस मूवी है लेकिन उसमें सच्चाई भी सामने आई और ये एक आस्था और विश्वास पर आधारित मूवी है। और बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक भी सॉन्ग नहीं था, लेकिन पूरी मूवी में कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि सॉन्ग नहीं है तो मूवी अच्छी नहीं लग रही। मैंने अपने बेटे से पूछा कि इसकी स्टोरी क्या है तो वो कहने लगा मुझे भी ये नहीं पता, लेकिन मूवी कुल मिला के उसको बहुत पसंद आई। तो हमें अपने बच्चों को ऐसी मूवी परोसनी चाहिए, मतलब दिखानी चाहिए, जिससे कि उल्टी सीधी मूवी देख के बच्चे कई बार जो है ना कुछ गलत सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसी मूवी देख के हर बच्चे को अच्छा लगता है। और दीपावली तो चली गई है, दीपावली अपने पीछे बहुत सारी चीजें छोड़ गई है जिसको अभी हम लोग को समेटना है। और काफी टाइम वैसे हो गया है, लेकिन जो हम लोग ने दीपावली में अनाप शनाप खाया है तो बॉडी भी उस हिसाब से फिट नहीं हो पा रही। और घर में भी काफी सामान तो हमने भी लाइट वाइट रख दी है, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी सामान है जो हमें रखनी है। हालांकि क्रिसमस पास में आ रहा है, लेकिन क्रिसमस और दीपावली की डेकोरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो चलिए बहुत बब्बर कर ली और मेरा वीडियो काफी लेट आ रहा है, इस समय थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं कोशिश करूंगी, आई होप मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि टाइम पे मैं अपना वीडियो ला पाऊँ। काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।